Now, next one, most important, most valuable topic in C language called as strings in C. In C language, strings are nothing but it is simply group of characters enclosing in the form of double quotes. Means C language can the string ko just represent karo in the form of double quotes or anything enclosing inside double quotes which is terminated by null character, nothing but simply strings. इसे स्ट्रिंग्स क्या है, स्ट्रिंग्स आर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपको जस्ट सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है, ओनली वन कैरेक्टर, देन सिंपली सिंगल कैरेक्टर को एनक्लोज किस फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कोट्स. सेम है स्ट्रिंग्स क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. सपोज अगर किसी पर्टिकुलर केस में आपको मल्टीपल मोर देन वन कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करना, लाइक दैट मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करोगे एज अ सिंगल वैल्यू, देन मल्टीपल कैरेक्टर्स हमेशा एनक्लोज किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डबल कोट्स. क्लियर. इन सी लैंग्वेज स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड और एनक्लोजिंग इनसाइड डबल कोट्स व्हिच इज टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर्स. टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर मींस अगर इसे ए की बात करें तो ए को स्टोर करने के लिए, किसी भी कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए ऑलवेज मेमोरी में स्पेस कितना रिक्वायर्ड होता है, ओनली वन बाइट. सेम है बी के रिस्पेक्ट में कितने बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे, ऑल्सो वन बाइट. सी के रिस्पेक्ट में कितने बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे, ओनली वन बाइट. तो टोटल अगर तीनों कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में बात करें टोटल स्पेस कितना रिक्वायर्ड, ओनली थ्री बाइट. सेम है इस केस में अगर स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में बात करें, जब आप स्ट्रिंग को मेमोरी में रिप्रेजेंट करोगे, मेमोरी में स्टोर करोगे, मीन्स जस्ट अगर आपको इस स्ट्रिंग का अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एक्स में करूँ तो मेमोरी के रिस्पेक्ट में अगर स्ट्रिंग के अंदर एन कैरेक्टर्स अवेलेबल है या एन सिम्बल्स अवेलेबल है, याद रखना स्ट्रिंग के अंदर किसी भी टाइप के सिम्बल स्टोर कराना पॉसिबल, नॉट ओनली अल्फाबेट्स, मे बी स्पेशल सिम्बल्स, मे बी डिजिट्स, एनी टाइप ऑफ वैल्यूज. क्लियर. और एनी टाइप्स ऑफ सिम्बॉल्स. लेकिन जब स्ट्रिंग मेमोरी में रिप्रेजेंट होगा, स्ट्रिंग के अंदर फिजिकली आपको एन सिम्बॉल विजिबल हो रहा है, देन मेमोरी के अंदर टोटल बाइट्स कितने एलोकेट होंगे, ऑलवेज एन प्लस वन बाइट्स. क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा टर्मिनेट किससे होंगे, नल कैरेक्टर, इसलिए सारे के सारे स्ट्रिंग एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऑक्यूपाई करें इनसाइड मेमोरी, कॉल्ड एज नल कैरेक्टर. फाइनली से स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, स्ट्रिंग के केस में फिजिकली कंटेंट्स कितने सो रहे हैं आपको, थ्री कैरेक्टर्स, तो इस केस में टोटल बाइट्स कितने एलोकेट कराएंगे इनसाइड मेमोरी, फोर बाइट्स. फर्स्ट प्लेस पर स्टोर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर ए. सेकेंड प्लेस पर स्टोर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर बी. सेम है थर्ड प्लेस पर स्टोर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर सी. देन लास्ट प्लेस पर हमेशा स्टोर क्या होगा, ऑलवेज बेस एड्रेस ऑफ, सॉरी ऑलवेज नल कैरेक्टर. नल कैरेक्टर के जस्ट आए ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ए का आस्की वैल्यू क्या 65, बी का आस्की वैल्यू क्या 66, सी का आस्की वैल्यू क्या 67. सिमिलरली नल कैरेक्टर का आस्की वैल्यू क्या सिंपली 0. देन इस पर्टिकुलर थिंग्स को आप नेम क्या दे सकते हैं, मीन्स इसके अंदर इसको मीन्स इसका सिंटेक्स और फिगर कैसा लुक्स लाइक एरे, प्लस इसे एरे में एलिमेंट किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर. इसलिए सिंपली स्ट्रिंग को आप नेम दे सकते हो, स्ट्रिंग इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर इन सी लैंग्वेज. देन मेमोरी लेवल पर बात करें तो मेमोरी के अंदर कैरेक्टर मीन्स स्ट्रिंग हमेशा स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर्स. नेक्स्ट वन, अगर स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जैसा कि मैंने बिगिनिंग सेशन में डिस्कस किया था ड्यूरिंग बेसिक्स ऑफ सी, इस अगर आप मेमोरी में कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑलवेज स्टोर किस फॉर्मेट में होता है, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. सिमिलरली स्ट्रिंग भी किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जस्ट कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लाइक इंट एक्स इक्वल्स टू 10, मेमोरी के अंदर एक्स के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, 2 बाइट्स. देन 2 बाइट्स में 10 स्टोर किस फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्म में. 10 का बाइनरी नंबर क्या है, ओनली 1010. देन रिमेनिंग बिट्स में क्या साइन हो जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू है 0000000. दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स. सिमिलरली अगर आप कोई कैरेक्टर क्रिएट करते हो, लाइक वेरिएबल एज कैर ए असाइन कराया मैंने, इस केस में वेरिएबल नेम यूज करूँ जस्ट एक्स असाइन करा मैंने कैरेक्टर ए, इस केस में एक्स के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, ओनली 1 बाइट्स. 1 बाइट्स मीन सिंपली सिंग ओनली 8 बिट्स, प्लस इस केस में ए डायरेक्टली स्टोर होगा बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, और ए का बाइनरी नंबर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं. तो यहाँ बाइनरी नंबर किसका कैलकुलेट हुआ, आस्की वैल्यू ऑफ ए विच इज 65. 65 का बाइनरी नंबर क्या है, जस्ट 1000001. टोटल बिट्स कितने 7, तो 8th प्लेस पर बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर हो जाएगा, जस्ट 0. दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर ए इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी. सिमिलरली स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग भी मेमोरी के अंदर किस फॉर्मेट में स्टोर होना चाहिए, जस्ट बाइनरी फॉर्मेट. तो जब स्ट्रिंग का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन राइट करोगे, जस्ट मैं इसी फिगर को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे स्ट्रिंग रियल केस में
स्टोर किस फॉर्मेट में, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। मीन्स फर्स्ट प्लेस पर स्टोर क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर ऑफ ए, ए मीन्स 65, और 65 का बाइनरी नंबर क्या है, जस्ट 01001। सेकेंड प्लेस पर स्टोर क्या होगा, बाइनरी नंबर ऑफ बी मीन्स विच इज 66 के केस में बाइनरी नंबर क्या स्टोर होगा, 01000010। नेक्स्ट प्लेस पर स्टोर किया बाइनरी नंबर ऑफ सी विच इज 67 मीन्स आस्कुअली क्या इसका 67, और 67 का बाइनरी नंबर क्या आएगा अगेन 01000011। क्लियर। नेक्स्ट वन आस्क वैल्यू ऑफ नल, नल मीन्स जीरो, और जीरो का बाइनरी नंबर भी क्या होगा ऑल्सो जीरो। स्ट्रिंग्स आर टर्मिनेटेड बाई नल कैरेक्टर। क्लियर। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग इन साइड मेमोरी। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम क्या, फर्स्ट वन, क्योंकि सारे सारे ऑप्शन में डायरेक्टली कैरेक्टर्स के फॉर्म में विजुअल कराऊँ जिससे आपके लिए इजिली समझना पॉसिबल। वन मोर थिंग, इस प्लेस पर जस्ट बात करें, फर्स्ट बाइट का एड्रेस अगर 100 है तो नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या होगा, समथिंग 101 102 103। वन मोर थिंग, जहाँ भी आप स्ट्रिंग यूज करो, स्ट्रिंग के प्लेसेस पर ऑलवेज रिप्लेस क्या होता है, बेस एड्रेस ऑफ एरे। मीन्स जस्ट स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग्स क्या है, स्ट्रिंग्स आर एरे ऑफ कैरेक्टर्स, और किसी भी टाइप का एरे हो, एरे नेम इटसेल्फ ऑलवेज रिप्रेजेंट क्या करता है, इट्स बेस एड्रेस और एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलरली स्ट्रिंग के प्लेसेस पर भी रिप्लेस क्या हुआ, स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। फर्स्ट एलिमेंट इस डायग्राम के अंदर क्या है, ए, और ए का एड्रेस 100 है, देन इस प्लेस पर फाइनली इंटरनली लॉजिकली रिप्लेस क्या हुआ 100। क्लियर। इसे स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में अगर आप कोई भी फिजिकली ऑपरेशन से अप्लाई कर रहे हो, यानी ऑपरेशन हमेशा याद रखना, कभी भी डायरेक्टली ए बी सी के रिस्पेक्ट में अप्लाई नहीं होगा, किसी भी स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में अप्लाई नहीं होगा। ऑपरेशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में अप्लाई होंगे, या किस प्लेस से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम गिवन एड्रेस ऑनवर्ड्स। क्लियर। प्लस गिवन एड्रेस से लेकर ऑपरेशन एंड कब तक होंगे इस बात करें तो इसके बाद तो कई सारे पॉसिबल बाइट्स होंगे, इस लाइक नेक्स्ट बाइट क्या हुआ 104 एंड सो ऑन। क्लियर। लेकिन ये स्ट्रिंग ऑपरेशन कब तक फिनिश होंगे, इस कहां तक चलेंगे, अप टू पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑक्रेंस ऑफ नल। जैसे ही आपको फर्स्ट नल कैरेक्टर मिलेगा देन स्ट्रिंग ऑपरेशन फिनिश हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्लासेस में जस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा स्ट्रिंग फंक्शंस, देन स्ट्रिंग फंक्शन के रिस्पेक्ट में, चाहे यूजर डिफाइंड फंक्शन हो या प्री डिफाइंड फंक्शन हो, स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में ऑलवेज ऑपरेशन किस प्लेस से स्टार्ट होगा, फ्रॉम गिवन एड्रेस ऑनवर्ड्स और बिगिनिंग एड्रेस ऑनवर्ड्स अप टू पोजीशन ऑफ नल कैरेक्टर। मीन्स नल के लिए कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा, इन जस्ट बिफोर नल, बिगिनिंग एड्रेस टू अप टू प्रीवियस पोजिशन ऑफ द नल कैरेक्टर। जैसे नल मिलेगा देन ऑपरेशन परफॉर्म होना स्टॉप हो जाएंगे। दिस इज द ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स इन सी लैंग्वेज। स्ट्रिंग्स रिलेटेड जस्ट मैंने बेसिक पॉइंट्स पार्ट किए हैं। फर्स्ट केस, स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एनक्लोजिंग बाई डबल कोट्स विच इज टर्मिनेटेड बाई नल कैरेक्टर, जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है। सेवन, एट मेमोरी लेवल स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड एज अ एरे ऑफ कैरेक्टर। मीन्स मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग हमेशा रिप्रेजेंट किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग इटसेल्फ रिप्रेजेंट इट्स बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जस्ट मैंने डिस्कस किया था। मीन्स स्ट्रिंग के प्लेसेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस और बिगिनिंग एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। नेक्स्ट वन, एवरी स्ट्रिंग ऑपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिनिंग एड्रेस अप टू पोजिशन ऑफ द नल कैरेक्टर। नेक्स्ट वन, हाउ टू क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स इन सी। अभी जस्ट मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, नॉट अ डिक्लेरेशन और नॉट अ सिंटैक्सिस। इसे स्ट्रिंग को क्रिएट करने के आपके पास मल्टीपल सिंटैक्सिस अवेलेबल हैं। स्ट्रिंग्स आपके लिए डायरेक्टली डबल कोट्स के फॉर्म में भी इनिशियलाइज करना पॉसिबल, और स्ट्रिंग्स कैरेक्टर बाई कैरेक्टर भी असाइन करना पॉसिबल। लेकिन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए सी लैंग्वेज ने कोई भी आपके लिए डायरेक्टली प्रिमिटिव डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं किया है। इसे स्ट्रिंग को जस्ट रिप्रेजेंट करोगे बाई यूजिंग और बाई डिक्लेयरिंग एरे ऑफ कैरेक्टर्स। इसे जस्ट सिंटैक्स की बात करें, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स। फर्स्ट केस, जस्ट आप यूज क्या करोगे, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। इस केस में सिंपली कैरेक्टर एरे क्रिएट किया, नेम असाइन किया इसको एज अ ए, देन जस्ट स्ट्रिंग को डायरेक्टली इनिशियलाइज करना पॉसिबल बाय यूजिंग डबल कोट्स लाइक दैट। क्लियर। दिस इज द फर्स्ट सिंटैक्स। मींस इस केस में साइज कैसा, साइज इज ऑप्शनल। सेकंड केस, अगर इस फर्स्ट केस के रिस्पेक्ट में मेमोरी रिप्रेजेंटेशन डायग्राम की बात करें तो डायग्राम किस टाइप से परफॉर्म होगा। इस केस में एरे ए के लिए मैंने कोई भी साइज प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन इसका साइज किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इनिशियलाइज्ड एलिमेंट। टोटल कितने एलिमेंट असाइन हुए, 3 एलिमेंट्स। मेमोरी कितने एलिमेंट्स के लिए एलोकेट हुआ, 3 प्लस 1 एक्स्ट्रा कैरेक्टर इज नल, क्योंकि स्ट्रिंग सी के जस्ट बाद
इंटरनली अपेंड इम्प्लिसिटली इंसर्ट क्या हो जाएगा, नल कैरेक्टर। टोटल कितना साइज होगा इसके, इसमें 4 bytes। इसे एरे ए के लिए स्टैक मेमोरी के अंदर, अभी मैं विदाउट स्टैक डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ डायरेक्टली, जस्ट कितने बाइट का स्पेस एलोकेट होगा, 4 bytes। देन इसे कंप्लीट ब्लॉक को नेम असाइन हो जाएगा एज अ ए, एज अ नेम ऑफ दिस एरे और नेम ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट वन फर्स्ट प्लेस पर असाइन क्या हो जाएगा, कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी। लास्ट प्लेस पर असाइन क्या होगा, नल कैरेक्टर। अगर फर्स्ट बाइट का एड्रेस 100 है, नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या होगा, 1012 एंड 103। स्ट्रिंग के किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को या पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को डायरेक्टली इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करना पॉसिबल है। जैसे एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, 0। प्लस इंडेक्स एक्सेस कैसे करोगे, यूजिंग एरे नेम। एरे का नेम ए है तो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने का वे क्या हुआ, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 एंड ए ऑफ 3। क्लियर। नेक्स्ट वन, एनदर वे ऑफ डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग, इस केस में स्टार से सिंपली स्टैक क्रिएट हो जाएगा, सॉरी सिंपली डायग्राम क्रिएट होगा। सेम स्ट्रिंग अगर आप इस स्टैक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, जस्ट स्टैक के केस में इसका डायग्राम क्या रहेगा, मीन्स रियल केस की बात करें तो रियली स्ट्रिंग हमेशा अगर आप एज ए लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्टोर केस फॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। स्टैक के केसेस में जस्ट 1 1 bytes के ब्लॉक्स क्रिएट करें इस केस में। अगर इस प्लेस का एड्रेस 100 है, नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या होगा, 101, 102, 103, कोई भी एड्रेस यूज कर सकते हैं, एनी मेमोरी एड्रेस। नेक्स्ट वन, इस केस में ए के लिए टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, जस्ट 4 bytes। देन 4 bytes का एक एरे क्रिएट होगा इनसाइड स्टैक, इस 4 byte के ब्लॉक को नेम असाइन हो जाएगा एज ए। प्लस दिस इज द बिगिनिंग इंडेक्स, 0 index, 1 index, 2 index, 3rd index, लाइक अ इंटीजर एरे। फर्स्ट प्लेस पर असाइन क्या हो जाएगा, ए, देन बी, देन सी, देन नल। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगर आप इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए ट्राई करते हो बाय यूजिंग प्रिंट एफ, देन प्रिंट एफ के अंदर इंटरनली किस टाइप से प्रोसेस होगा, चेक इट। स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए ऑलवेज यूज क्या करोगे, परसेंट एस प्लस डायरेक्टली ओनली एरे नेम सप्लाई करना सफिशियंट है। इससे जब भी मीन स्ट्रिंग इटसेल्फ रिप्रेजेंट किससे होगा, एरे नेम से। और ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एरे नेम इटसेल्फ हमेशा आपको प्रोवाइड क्या करता है, बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। इस फाइनली ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ऑलवेज कैसा होता है, लोअर एड्रेस। इस केस में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 101। देन फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा, 101। देन प्रिंट एफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट स्पेस पर परसेंट एस किस प्लेस से कैरेक्टर रीड करना स्टार्ट करेगा, फ्रॉम 101 ऑनवर्ड्स। क्लियर। क्यों, इसको थोड़ी पता कि मेमोरी के अंदर किस प्लेस पर स्ट्रिंग है, किस प्लेस पर इंटीजर है, किस प्लेस पर किस टाइप का डेटा, क्योंकि मेमोरी के अंदर सारे के सारे कंटेंट्स किस फॉर्मेट होंगे, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। देन इसके लिए जस्ट फ्लैग क्या होगा, गिव इन एड्रेस। देन सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर किस एड्रेस से रीड होगा, फ्रॉम 101। 101 में चेक करेगा कि नल है या नॉट नल है, या तो नल होगा या फिर नॉट नल। अगर नॉट नल है देन इमीडिएटली मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा। देन 101 के जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम रीड कहाँ करेगा, कैरेक्टर ऑन द नेक्स्ट पोजिशन। नेक्स्ट पोजिशन में अगेन चेक करेगा कैरेक्टर नल है या नॉट नल है, देन नॉट नल है देन अगेन डिस्प्ले होगा बी। देन अगेन चेक कहाँ करें, नेक्स्ट पोजिशन। नेक्स्ट पोजिशन में क्या, सी। प्लस ये चेकिंग कब तक हो, जब तक नल नहीं मिल जाता है। देन नेक्स्ट प्लेस पर अगेन सर्च करेगा, नेक्स्ट प्लेस पर क्या, नल। देन रीड करना स्टॉप कर दिया, मीन्स फाइनली इस केस में आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा, ओनली ए बी सी। वन मोर केस, ये सेकेंड केस आपको काफी क्लियरेंस प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग स्ट्रिंग ऑपरेशंस। जस्ट मैंने इस केस में राइट डाउन किया परसेंट एस स्लैश एन थ्री प्लस ए माइनस वन और ए माइनस टू, जस्ट बेसिक अर्थमेटिक ऑप्शन देखा है। तो इस केस में ए क्या है, नेम ऑफ दिस एरे और वी कैन से सिंपली एरे और स्ट्रिंग। इस कैरेक्टर एरे को आप लॉजिकली नेम दोगे एज ऑलवेज स्ट्रिंग। तो इस केस में ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिंग और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। देखा जाए तो सिंटेक्टिकली हो सकता है आपको स्टेटमेंट इनवैलिड लगे, लेकिन स्टेटमेंट परफेक्टली वैलिड है। इसका जस्ट बेस कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ भी नहीं करना आपको, जो मैंने प्रीवियस पॉइंटर्स के रिस्पेक्ट में रूल बताया सेम रूल से अप्लाई करना आपको। मीन्स जस्ट 3 के प्लेस पर क्या आएगा, 3। ए के प्लेस पर क्या जाएगा, एरे का बेस एड्रेस। मीन्स ए से क्या रिप्रेजेंट हुआ, ए मीन्स
स्ट्रिंग और नेम ऑफ स्ट्रिंग और एरे नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस। फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस क्या है इसमें 101, नेक्स्ट वन -2। अभी तक मैंने आपको बताया था जब भी किसी इंटीजर एरे में वन से इंक्रीमेंट करते हो देन एडिशन कितने से होता है 2 से। सेम अगर वो आप वन से डिक्रीमेंट करते हो देन सब्ट्रैक्शन भी कितने से हुआ था ऑल्सो 2 से। लेकिन कैरेक्टर एरे के किस में, इस केस में एड्रेस का टाइप क्या है, मीन से 101 किसी इंटीजर का एड्रेस है, कैरेक्टर्स का एड्रेस है, मीन से यहाँ एड्रेस में डिफरेंस कितने का है 1 का, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कितने से परफॉर्म हुआ, एग्जैक्टली 1। मीन्स अगर आपने 3 से एडिशन करा तो रियल एडिशन भी कितने से होगा ऑल्सो 3। 101 प्लस 3 इज 104, -2 फाइनल स्पेस पर इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा 102, डिफरेंस क्या रहा इसके इसमें 102। तो फाइनली इस ऑपरेशन का फाइनल रिजल्ट क्या सप्लाई होगा प्रिंट एप के अंदर 102 इन दैट प्लेस, इस एक्सप्रेशन की प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा 102। देन परसेंटेज के अकॉर्डिंग डेटा किस प्लेस रीड होना स्टार्ट होगा फ्रॉम 102 लोकेशन ऑनवर्ड्स। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ फिनिश हुआ, मीन्स ऑपरेशंस ऑलवेज किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म होंगे गिवन एड्रेस, मीन्स आपने जो भी एड्रेस प्रोवाइड किया है। इस प्रिंटएफ स्ट्रिंग का स्टार्टिंग किस प्लेस से समझिएगा फ्रॉम 102 ऑनवर्ड्स, इस केस में डेटा किस प्लेस रीड करेगा, कैरेक्टर किस प्लेस रीड होगा फ्रॉम 102 लोकेशन। सबसे पहले मीन्स डायरेक्टली रीड किस प्लेस करेगा 102, 102 में क्या नल और नॉट नल, नॉट नल देन इसके थ्रू जस्ट डिस्प्ले क्या हो जाएगा बी, क्योंकि 102 में फाउंड क्या हो रहा है बी। नेक्स्ट टाइम प्लस सर्च कब तक करेगा, जब तक नल नहीं मिल जाता है। फर्स्ट केस में 102 पर सर्च किया तो नेक्स्ट प्लेस में, नेक्स्ट प्लेस क्या रहेगा 103, 103 में क्या है सी, अगेन नॉट नल। देन सर्च कहाँ करेगा, नेक्स्ट लोकेशन है 104 और 104 में क्या नल, जैसे नल मिलेगा तो ये रीड करना स्टॉप कर। दिस इज द ऑल अबाउट स्ट्रिंग ऑपरेशंस, दिस इज द फर्स्ट सिंटैक्स और फर्स्ट बेसिक सिंटैक्स, मीन्स इन दोनों प्रिंट ऐप के अकॉर्डिंग और इन थ्री स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या बनेगा आपको ए बी सी एंड बी सी ओनली। नेक्स्ट वन अनदर सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स, मीन्स अभी स्ट्रिंग को मैंने इनिशियलाइज कैसे किया यूजिंग डबल कोट्स, मीन्स सेम एज स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे को वन बाई वन एज अ कैरेक्टर भी इनिशियलाइज करना पॉसिबल है लाइक दैट। वन मोर केस, प्रीवियस केस मैंने स्ट्रिंग के केस में कोई साइज प्रोवाइड किया है क्या, नहीं। अगर मैं इस केस में साइज प्रोवाइड करता हूँ लाइक ए फाइव, प्रीवियस केस में एग्जैक्टली कितने बाइट्स एलोकेट हुए थे, ओनली 4 बाइट्स। देन अगेन मैंने सेम डेटा साइन किया एज अ ए बी सी, व्हाट इज द डायग्राम फॉर गिवन स्ट्रिंग्स। अगेन मैं डायग्राम ऑफ सारे सारे डायग्राम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करूंगा विदाउट स्टैक, जब तक आपको स्टैक की रिक्वायरमेंट नहीं है अननेसेसरी मैं कोई भी स्टैक क्रिएट नहीं करूँ, डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डायग्राम। इस केस में सिंपली एक एरे क्रिएट होगा, इस एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे याद रखना, इस केस में अगर आपने साइज प्रोवाइड नहीं किया देन स्ट्रिंग का साइज किसके बेस पर कैलकुलेट होगा, बेस्ड ऑन गिवन लिटरल्स और नंबर ऑफ सिंबल्स प्लस 1। इस केस में साइज क्या रहेगा, टोटल सिंबल लेंथ क्या है इसका 3, 3 प्लस 1 इज 4। लेकिन अगर आपने मैनुअली कोई साइज प्रोवाइड किया देन इस केस में कोई भी एक्स्ट्रा बाइट ऐड नहीं हुआ। इस अगर 5 साइज प्रोवाइड किया है कैरेक्टर कितने आसानी के डजेंट मैटर, मीन स्पेस कितने एलिमेंट्स के लिए लोगे तो ओनली 5 एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन, अगर एड्रेस एंड डेटा, अगेन एड्रेसिंग सेम रहेगा 101, 102, 103 एंड 104। फर्स्ट प्लेस पर आसानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर ए, सेकंड प्लेस पर सेकंड कैरेक्टर बी, थर्ड कैरेक्टर सी। देन रिमेनिंग प्लेसेस पर कोई एलिमेंट फाउंड हो रहा है क्या, नहीं। रिमेनिंग सभी प्लेसेस पर बाय डिफॉल्ट आसानी क्या हुआ, मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ पार्शियल इनिशियलाइजेशन सिंटैक्स मैच किससे हो रहा है, पार्शियल इनिशियलाइजेशन इंटीजर एरे। और इंटीजर एरे के केस में जब भी आप एलिमेंट्स को पार्शियली इनिशियलाइज करते हो देन अनइनिशियलाइज्ड एलिमेंट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता था, 0। सेम एज इन दैट केस ऑल्सो 0, लेकिन 0 का मीनिंग कैरेक्टर्स के केस में क्या रिप्रेजेंट होगा, नल कैरेक्टर। 0 और नल दोनों का मीनिंग कैसा है, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि नल का भी बाइनरी नंबर क्या आएगा ऑल टाइम्स 0, 0 का भी बाइनरी नंबर क्या है ऑल टाइम्स 0, देयरफॉर बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स, क्लियर। देन इस केस में अगेन स्ट्रिंग के लिए बाइट्स कितने एलोकेट हुए हैं, 5 बाइट्स। अगर आप साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू फर्स्ट स्ट्रिंग का साइज डिस्प्ले कराओ देन साइज क्या प्रिंट होगा 4, सेकेंड केस में साइज क्या प्रिंट होगा एग्जैक्टली 5। वन मोर थिंग, अगर इस केस में स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना चाहते हो अगेन यूज क्या करेंगे, प्रिंट एप परसेंटेज देन सिंपली स्ट्रिंग नेम ए और एरे नेम ए, ए के प्लेस पर अगेन क्या रिप्लेस होगा 100, देन डेटा सबसे पहले किस प्लेस रीड होगा फ्रॉम 100 onwards, then 100 place पर found क्या हो रहा है, null और not null,
not null, then simply display हो जाएगा next time next place पर search होगा again not null, then next place again not null, then null, जैसे null मिलेगा then ये read करना stop कर देगा, means finally इस case में result का display होगा only abc only. Another syntax of creating string care a5. अगर आपने size 5 प्रोवाइड किया था इसके अंदर string के अंदर maximum 5 character assign करना possible है. अगर आप 5 से ज्यादा character assign करने के लिए try करोगे like that a b c d e f, then इसके इसमें immediately raise क्या हुआ compile time error. This is the basic rule of partial initialization. Partial initialization की केस मैंने आपको explain किया था किसी भी एरे में टोटल मैक्सिमम कितने एलिमेंट असाइन करना पॉसिबल है डिपेंड करेगा ऑन द साइज ऑफ एरे, मींस साइज से कभी भी ज्यादा एलिमेंट पास करना पॉसिबल नहीं है. इस केस में साइज क्या 5 और एलिमेंट कितने असाइन हो रहा 6, देयरफॉर कंपाइल टाइम एरर. लेकिन स्ट्रिंग के केस में एग्जैक्टली 5 एलिमेंट असाइन करना पॉसिबल है, इट इज वैलिड. वन मोर थिंग स्पेशली याद रखना, अगर आपने साइज प्रोवाइड किया देन इस केस में कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा नल इंसर्ट नहीं हुआ, स्पेशली याद रखना. मींस इस केस में अगर स्ट्रिंग डायग्राम की बात करें देन टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, एग्जैक्टली 5 बाइट्स, एग्जैक्टली 5 बाइट्स, एड्रेस इज 100101 एंड सो ऑन. देन फर्स्ट प्लेस पर असाइन क्या हो जाएगा ए, सेकंड प्लेस पर बी, थर्ड प्लेस पर सी डी ई. मींस इस केस में कहीं कोई नल इंसर्ट हुआ क्या, नहीं, क्योंकि नल के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा. मींस नल कब इंसर्ट होगा इन केस ऑफ पार्शियल इनिशियलाइजेशन और इफ वी आर नॉट सप्लाइंग साइज ऑफ एरे. अगर आपने कोई साइज सप्लाई नहीं किया तो उसके से नल ऑटोमेटिकली इंप्लिसिटली इंसर्ट होगा एज एक्स्ट्रा बाइट. अगर आपने साइज सप्लाई किया तो उसके से नल ओनली अनइनिशियलाइज्ड प्लेस पर स्टोर होगा, ना कि कोई एक्स्ट्रा बाइट क्रिएट होगा. एक्स्ट्रा बाइट ओनली किस केस में क्रिएट होगा, अगर आपने एरे के लिए कोई साइज प्रोवाइड नहीं किया. लेकिन इसके केस में मैंने साइज प्रोवाइड किया था इसलिए नल के लिए कोई एक्स्ट्रा बाइट एलोकेट हुआ क्या, नहीं. इसे अगर आप साइज ऑफ के थ्रू एक साइज भी डिस्प्ले कराओ तो साइज का एलिमेंट होगा एग्जैक्टली 5 बाइट्स. देन इस केस में अगर आप प्रिंटएफ फंक्शन यूज कर दो, प्रिंटएफ के थ्रू अगर स्ट्रिंग डिस्प्ले कराना स्टार्ट करोगे परसेंटेज, और एक और केस याद रखना, अगर प्रिंटएफ के थ्रू ओनली स्ट्रिंग डिस्प्ले कराना चाहते हो देन डायरेक्टली एरे नेम भी पास करना पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो वैलिड. देन इस केस में अगेन ए के प्लेस पर रिप्लेस किया जाएगा एरे का बेस एड्रेस. प्रिंटएफ फंक्शन बाय डिफॉल्ट डेटा किस प्लेस रीड करेगा फ्रॉम 100 लोकेशन ऑनवर्ड, और 100 में फाउंड क्या रहा है ए, तो सी इस केस में डिस्प्ले किया हुआ ए, नेक्स्ट टाइम बी, नेक्स्ट टाइम सी, नेक्स्ट टाइम डी. प्लस याद रखना इसके बाद भी कोई दो बाइट्स होंगे लाइक दैट, अब इन बाइट्स में डेटा क्या स्टोर इसको कंसीडर करो एज अ गार्बेज वैल्यू. प्लस ये प्लेस कैसे अनरिजर्व, रिजर्व प्लेस कैसे अप टू दैट लोकेशन मींस अप टू 104. देन डी, डी के बाद प्रिंट क्या होगा जस्ट ई. अब ई के जस्ट बाद मींस आपको तो पता है कि स्ट्रिंग फिनिश हो चुका है, लेकिन प्रिंटएफ के पास ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. इसे प्रिंटएफ को कभी भी पता नहीं हुआ इसका साइज क्या है. जस्ट अगेन नेक्स्ट प्लेस पर नेक्स्ट कैरेक्टर चेक हुआ. अब नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट प्लेस पर, तो नेक्स्ट प्लेस आपके लिए कैसा अननोन प्लेस. अब अननोन प्लेस पर हो सकता है इस प्लेस पर नल कैरेक्टर हो या गार्बेज वैल्यू, हो सकता है नॉट नल हो. अगर इस प्लेस पर गार्बेज वैल्यू नॉट नल है देन इस प्लेस पर डिस्प्ले क्या हो जाएगा सम अननोन कैरेक्टर. और जैसे इस केस में किसी भी प्लेस पर सपोज दैट सेकंड प्लेस पर भी कोई कैरेक्टर है देन अगेन सेकंड कैरेक्टर डिस्प्ले होने चांस है, देन इसको जैसे ही नल मिलेगा देन ये स्टॉप कर देगा. वन मोर थिंग्स, अगर इस प्लेस पर फर्स्ट प्लेस पर भी हो सकता है नल अवेलेबल हो एज अ गार्बेज वैल्यू देन इस केस में कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंट नहीं. मीन्स इस केस में प्रिंटएफ का बिहेवियर क्या होगा ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं. मीन्स ई तक तो आपके लिए ऑब्जर्व करना पॉसिबल, लेकिन ई के बाद कौन से कैरेक्टर्स अवेलेबल है मीन्स कैन नॉट बी गेस्ट. क्लियर. नेक्स्ट वन, अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग. मीन्स इस केस में अगर आप डिस्कशन की बात करें इसका फाइनली कंक्लूजन क्या है, जब भी आप कोई स्ट्रिंग क्रिएट करें अगर स्ट्रिंग का साइज आपने एन प्रोवाइड किया है यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस आपको मैनुअली खुद से छोड़ना चाहिए फॉर इंसर्टिंग नल. इसलिए स्ट्रिंग के अंदर ऑलवेज इनिशियलाइज कितने एलिमेंट्स होना चाहिए एन माइनस वन और लेस देन एन माइनस वन. क्लियर. नेक्स्ट वन, स्ट्रिंग के केस में एरे एलिमेंट्स को एज अ कैरेक्टर बाई कैरेक्टर भी इनिशियलाइज करना पॉसिबल लाइक दैट. जैसे मैंने इस केस में साइज प्रोवाइड किया जाए 5, कैरेक्टर्स असाइन किए 1 by 1 ए कॉमा बी लाइक अ इंटीजर एलिमेंट देन सी. इस केस में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर असाइन कर सकते थे अप टू 5. देन इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिंग और एनअदर वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग.
इस केस में जस्ट बात करें डायग्राम की, इस केस में जस्ट अगेन टोटल कितने एलिमेंट्स क्रिएट होंगे, मीन्स इस केस में अगर आपने पार्शियली इनिशियलाइजेशन किया प्लस साइज भी प्रोवाइड किया था, उसके उसमें कितने एलिमेंट असाइन हुए, डजंट मैटर, आप ओनली कॉन्सेंट्रेट किसको करोगे, साइज को, साइज 5 है तो एलोकेशन भी कितने एलिमेंट्स के लिए कराएंगे, 5 एलिमेंट्स के लिए। फर्स्ट प्लेस का एड्रेस अगर 100 है तो नेक्स्ट प्लेस का एड्रेस क्या है, 101, 102, 103 एंड 4। फर्स्ट प्लेस पर असाइन क्या हो रहा है, कैरेक्टर ए, सिमिलरली कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी, मीन्स इसका बिहेवियर कैसा हुआ, एग्जैक्टली सेम है स्ट्रिंग, द रिमेनिंग प्लेसेस पर डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएगा एज अ नल, क्लियर। दिस इज द अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग डायरेक्टली एज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। इस केस में अगर आप प्रिंट एफ में ए पास करो देन 100 ए से क्या प्रिंट होगा, बेस एड्रेस, इस कंप्लीट ब्लॉक का नेम क्या है, ए। देन सबसे पहले 100 प्लेस से डेटा रीड होना स्टार्ट होगा, तो रीड क्या हुआ, ए देन बी देन सी, जैसे ही नल लेगा रीड करना स्टॉप कर देगा। दिस द अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट वन लास्ट केस, मोस्ट इंपोर्टेंट केस, मोस्टली आपको इस टाइप के कंपेरिजन में पूछे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिंग स्ट्रिंग यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स। नेक्स्ट वन लास्ट केस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेम केस में अगेन रिपीट करूंगा इन नेक्स्ट सेशन, क्योंकि ये केस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मीन्स दिस इज द एन, फर्स्ट केस मैंने जस्ट प्रोवाइड क्या किया था, लाइक दैट, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइज एज 5 समथिंग ए बी सी, देन विदाउट एनी साइज, साइज इज ऑप्शनल, कोई भी अगर साइज प्रोवाइड नहीं करते तब भी ये केस कैसा है, ऑल्सो वैलिड, अगेन ए बी सी ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग। फर्स्ट केस में साइज क्या 5, सेकेंड केस में साइज क्या होगा 4। नेक्स्ट वन कैरेक्टर कैर देन ए इक्वल्स टू अगेन ए कॉमा बी कॉमा सी। स्ट्रिंग के केस में और कैरेक्टर एरे के केस में अगर आपने एन साइज प्रोवाइड किया था, मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने असाइन करना चाहिए आपको, अप टू एन माइनस वन, अगर आपने साइज प्रोवाइड नहीं किया था, डजंट मैटर। वन मोर थिंग्स, इन दोनों ही केसेस में याद रखना, अगर इस केस में आप स्ट्रिंग का साइज डिस्प्ले करा हुआ डबल कोट से असाइन कर रहा है, देन ओनली इसमें इंसर्ट क्या हुआ, लास्ट कैरेक्टर इज नल, अगर आपने कोई साइज प्रोवाइड नहीं किया, देन इस केस में साइज क्या आएगा स्ट्रिंग का 4 bytes। फर्स्ट केस में साइज क्या आएगा, मैनुअली सप्लाई किया 5 bytes। लेकिन थर्ड केस में याद रखना, अगर जब भी आप कैरेक्टर एरे को 1x1 एज अ कैरेक्टर इनिशियलाइज करते हो और आपने कोई साइज प्रोवाइड नहीं किया, देन इस केस में कभी भी कोई एक्स्ट्रा नल कैरेक्टर इंसर्ट नहीं हुआ। मीन्स इस केस में अगर आप स्ट्रिंग का साइज डिस्प्ले कराओ तो साइज कितना प्रिंट होगा, ओनली 3 bytes। दिस इज द अनदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिक्लेरेशन। स्पेशल केसेस में सारे केस याद रखना, जिससे आपके लिए नेक्स्ट टाइम जब मैं एग्जाम्पल सोल्व करूँ देन आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ। नेक्स्ट वन लास्ट केस कैर कैर स्टार ए इक्वल्स टू ए बी सी, इट इज ऑल्सो वैलिड डिक्लेरेशन फॉर स्ट्रिंग वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट मैं लास्ट केस के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज अगर ये कोड किसी फंक्शन के अंदर राइट डाउन किया, मैं केवल लास्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस केस में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस केस में याद रखना, ये पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेशन 2 parts में डिवाइड होता है, लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड, क्लियर। जब भी आप स्ट्रिंग को डबल कोट से क्रिएट करा के आप पॉइंटर में असाइन करते हो, प्रीवियस सभी केसेस में असाइनमेंट केस में हुआ पॉइंटर में और एरे में, एरे में स्पेशली याद रखना साइज को कॉन्सेंट्रेट करना। फर्स्ट केस में साइज क्या था 5, सेकेंड केस में साइज क्या है 4, कैरेक्टर 3 असाइन के, लेकिन इम्प्लिसिटली इंसर्ट क्या हुआ नल, इसलिए टोटल साइज कितना प्रिंट हुआ इस केस में 4। थर्ड केस में बात करें तो थर्ड केस के अंदर कैरेक्टर बाई कैरेक्टर असाइन किया, अगर आप स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे को 1x1 कैरेक्टर्स के फॉर्म में इनिशियलाइज करते हो, इस केस में कभी भी कोई नल कैरेक्टर इम्प्लिसिटली एक्स्ट्रा नल इंसर्ट नहीं हुआ। अगर इसका साइज आपने 4 प्रोवाइड किया होता, देन इस केस में 4th कैरेक्टर का इंसर्ट होता नल, लेकिन इस केस में साइज प्रोवाइड नहीं किया, देन एग्जैक्टली मेमोरी कितने बाइट्स के लिए एलोकेट होगा, ओनली 3 कैरेक्टर्स के लिए। देन लास्ट केस, मोस्ट इंपोर्टेंट केस, प्रीवियस तीनों केसेस में अगर बात करें, अगर आपने ये एरे किसी ब्लॉक में या फंक्शन के अंदर क्रिएट किया, देन ये सारे के सारे एरे किस प्लेस पर क्रिएट हुए, इनसाइड स्टैक एरिया, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटो वेरिएबल्स और प्रॉपर्टी ऑफ ऑटो। लेकिन अगर लास्ट केस में बात करें, लास्ट केस में अगेन ए को कंसिडर करवाया जाए लोकल वेरिएबल्स, देन ए के रिस्पेक्ट में बात करें, ये लोकल वेरिएबल है तो ए इटसेल्फ किस प्लेस पर क्रिएट होगा, इनसाइड स्टैक, क्लियर। इस केस में टू डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म होंगे,
मेमोरी एलोकेशन फॉर पॉइंटर वेरिएबल, ये इस केस में एरे या पॉइंटर है, पॉइंटर, तो पॉइंटर के लिए सेपरेटली स्पेस एलोकेट होगा और स्ट्रिंग के लिए सेपरेटली स्पेस एलोकेट होगा। इस केस में पॉइंटर के स्पेस पर क्रिएट हो रहा है इनसाइड स्टैक एरिया, प्लस पॉइंटर के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, पॉइंटर किसी भी टाइप का हो, पॉइंटर का साइज ऑलवेज कितना होता है 2 bytes। लेकिन इसे स्ट्रिंग की बात करें, इस केस में स्ट्रिंग क्रिएट हुआ इनसाइड डेटा सेगमेंट और वी कैन से डेटा एरिया, क्लियर। इस केस में इसका प्रॉपर्टी किसके सिमिलर है, इसे स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी आप कंसीडर करो एग्जैक्टली सेम एज स्टैटिक वेरिएबल, मीन स्टैटिक वेरिएबल का एलोकेशन भी किस प्लेस पर होता है, डेटा एरिया के अंदर, प्लस ये एलोकेशन मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कब तक करता है, जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है, मीन्स इस पॉइंटर का एलोकेशन कब तक रहेगा, जब तक कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर है, लेकिन इसे स्ट्रिंग का एग्जिस्टेंस कब तक रहेगा, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में अवेलेबल है, मीन्स इस केस में स्टैक के अंदर 2 bytes का ब्लॉक क्रिएट किया, मीन्स यहाँ पॉइंटर ए, ए का साइज क्या है 2 bytes, लोकेशन 198, इस केस में ए के लिए कितने bytes एलोकेट होंगे 2 bytes। लेकिन इसे स्ट्रिंग के केस में बात करें एबीसी, स्ट्रिंग का क्रिएट हो रहा है इनसाइड डेटा एरिया, प्लस स्ट्रिंग के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, इस केस में अगेन इम्प्लिसिटली इनसाइड क्या हुआ नल, प्लस नल कैरेक्टर, तो टोटल साइज क्या हुआ 3 + 1 = 4, तो इस केस में डेटा एरिया के अंदर सेपरेटली 4 byte का ब्लॉक क्रिएट होगा, लेकिन इस ब्लॉक के लिए कोई नेम असाइन नहीं होगा, स्पेशली याद रखना, मीन्स इस केस में ये किसी स्ट्रिंग का नेम है या पॉइंटर का नेम है, पॉइंटर का नेम, इसलिए पॉइंटर इटसेल्फ कहां क्रिएट हुआ स्टैक के अंदर, कितने बाइट्स का साइज है इसका 2 bytes। अगर आप इस केस में साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू ए का साइज डिस्प्ले कराओगे देन ए का साइज कितना प्रिंट होगा ऑलवेज 2 bytes। लेकिन स्ट्रिंग कहां क्रिएट हो रहा है इनसाइड डेटा एरिया, एड्रेस समथिंग 1000, नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या रहेगा 1001 1002 1003, फर्स्ट प्लेस पर आसान क्या हो जाएगा कैरेक्टर ए, सेकेंड प्लेस पर आसान होगा कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी एंड नल, क्लियर। नेक्स्ट वन, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आप डबल कोट्स के फॉर्म में कहीं भी स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे थे ना, स्ट्रिंग के प्लेसेस पर ऑलवेज रिप्लेस क्या हुआ स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, इस केस में स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या डायग्राम के अकॉर्डिंग 1000, फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 1000 मेमोरी एड्रेस है, इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ पॉइंटर, किस टाइप का पॉइंटर, एरे के अंदर एलिमेंट किस फॉर्म में कैरेक्टर्स के फॉर्म में, तो पॉइंटर का भी टाइप क्या होना चाहिए कैरेक्टर पॉइंटर, तो इसलिए इस केस मैंने क्रिएट क्या किया जस्ट कैरेक्टर पॉइंटर, इस कैरेक्टर पॉइंटर में आसान क्या होगा 1000, क्लियर। इसे 1000 किस प्लेस पर कॉपी हो रहा है इनसाइड ए, सेम केस में अगेन नेक्स्ट टाइम फिर से डिस्कस करूंगा, देन इस पर्टिकुलर ए पॉइंट किसको करें इस लोकेशन को, इसलिए इस पर्टिकुलर फर्स्ट बाइट का नेम क्या हो जाएगा स्टार ए, जस्ट ए इज अ पॉइंटर, क्लियर। मीन्स स्ट्रिंग का इटसेल्फ कोई नेम है क्या, नहीं। अगर आप ए का साइज डिस्प्ले कराओ, ए का साइज क्या प्रिंट होगा 2 bytes। वन मोर केस, इस केस में स्ट्रिंग को अगेन सेम मैनर में प्रोसेस करना पॉसिबल है, मीन्स अगर आप प्रिंट एफ में जस्ट पास करते हो ओनली ए, देन ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, ए में क्या स्टोर है 1000, ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 1000, तो ऑटोमेटिकली प्रिंट एफ किस प्लेस से डेटा रीड करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम 1000 ऑनवर्ड्स। प्रिंट एफ का अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो, मैंने काफी डिटेल्स में डिस्कस किया था, प्रिंट एफ के अंदर एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करना पॉसिबल था, मीन्स एनी नंबर ऑफ वैल्यू पास करना पॉसिबल था, प्लस किसी भी टाइप के वैल्यू पास करना पॉसिबल था, लेकिन प्रिंट एफ का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कैसा होना चाहिए शुड बी स्ट्रिंग टाइप, ए स्ट्रिंग है, इसलिए प्रिंट एफ के अंदर स्ट्रिंग को डायरेक्टली पास करना पॉसिबल, जरूरी नहीं है कि प्रिंट एफ के अंदर स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में पास होना चाहिए, अगर स्ट्रिंग किसी वेरिएबल या एरे या पॉइंटर के थ्रू प्रिंट हो रहा था ना, इसे एरे को या पॉइंटर को भी पास करना पॉसिबल है, ऑल्सो वैलिड। इस केस में प्रिंट एफ किस प्लेस से डेटा रीड करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम 1000 लोकेशन ऑनवर्ड्स, प्लस कब तक रीड करेगा जब तक नल नहीं मिल जाता, देन 1000 में करेंटली क्या है ए, इसलिए प्रिंट एफ सिंपली डिस्प्ले क्या करता है ए, नेक्स्ट टाइम रीड किस प्लेस वो डेटा ऑन द नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट बाइट में क्या बी, अगेन नॉट नल, नेक्स्ट बाइट में क्या सी, अगेन नॉट नल, नेक्स्ट बाइट में क्या नल, देन रीड करना स्टॉप कर दे, मीन्स इस केस में भी आउटपुट क्या प्रिंट हो ऑल्सो ए बी सी। स्पेशली याद रखना प्रीवियस केस में ए क्या था एरे, इसलिए एरे ए में ना ही असाइनमेंट पॉसिबल था और ना ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लेकिन इस केस में ए क्या है पॉइंटर, तो पॉइंटर में असाइनमेंट भी करना पॉसिबल और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना भी पॉसिबल है, मीन्स अगर आप इस प्लेस पर जस्ट राइट डाउन कर दो ए प्लस प्लस, तो ए का करंट वैल्यू क्या है 1000, इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू क्या हो जाएगा 1001, एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा ओनली 1 से, जैसे इसमें 1000 आएगा देन किस लोकेशन को पॉइंट करेगा, सॉरी
जैसे इसमें 1001 असाइन हुआ, देन अब एरे किस लोकेशन को पॉइंट करेगा, पॉइंटर किस लोकेशन पॉइंट करेगा, 1001 लोकेशन। इस 1001 लोकेशन का लॉजिकल नेम क्या हुआ, स्टार ए। अगर आप नेक्स्ट टाइम फिर से डिस्प्ले कराते हो प्रिंट एफ ए, देन ए में क्या है 1001, तो रिप्लेस भी क्या है उसके प्लेस पर 1001। इस केस में प्रिंट एफ किस प्लेस से डेटा रीड करे, फ्रॉम 1001 लोकेशन ऑनवर्ड्स, तो इस केस में मींस 1001 में क्या फंड हो रहा है, बी। अगर आप नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले कराओगे तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट नेक्स्ट बाइट में क्या, सी। नेक्स्ट बाइट में क्या, नल। तो इस केस में आउटपुट क्या प्रिंट होगा, सिंपली 1001। अभी मैंने जस्ट बेसिक आइडिया प्रोवाइड किया, एग्जाम्पल डजंट मैटर्स। मीन नेक्स्ट केस में वन बाई वन जितने भी मैंने पॉइंट डिस्कस किए सभी पॉइंट्स रिलेटेड इंडिविजुअल एग्जाम्पल सेपरेटली सॉल्व कराऊंगा, क्लियर।